लोग सोचोगे कि किसके लिए, तो नाइशा बताएगी। हमने दो केक खरीदे थे, दोनों गिर गए। गाइस ये है होममेड ट्रैकर जो जानवी ने बनाया है, बहुत ही सुंदर है। वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। आज तो व्लॉगिंग बहुत ही लेट चालू की क्योंकि आज वीडियो अपलोड करने में लगा हुआ था, क्योंकि एडिटिंग मुझसे हो ही नहीं पा रही थी, तो बहुत ही देर के बाद एडिट करके मैंने अपलोड कर दिया। तो ये हमारी बास्केटबॉल हमारे साथ आ चुकी है। बास्केटबॉल तो कहीं नहीं आई है, मैंने बास्केटबॉल को लिया है। तो अभी मैं जाऊँगा अकेडमी। तो बहुत ही ज़्यादा बादलों वाला मौसम है, तो लग नहीं रहा कि धूप निकलेगी। तो एक बार मैं जल्दी से रेडी हो जाता हूँ, मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। अभी तक टाइम मेरा 7:15 और मैं बास्केटबॉल एकेडमी से आ गया था। फिलहाल मैंने सोचा कुछ स्नैक्स वैक्स खा लेता हूँ, तो मम्मा ने एक पैकेट दिया, तो मम्मा कुछ टाइम पहले ही लाई थी, तो देखा तो वो गोल गप्पा पैकेट है। ये है वो गोल गप्पा, बहुत ही गोल सा है और अंदर से तो पूरा हॉलो है। लिटरली अब तो गोल गप्पे भी पैकेट्स में पैक होके आ रहे हैं, वो भी ऐसे मसाले वाले छोटे से। डिस्क्लेमर गाइज, दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर, मैं खा रहा हूँ। गाइज आप लोग सोचोगे कि किसके लिए, तो नाइशा बताएगी। हमने दो केक खरीदे थे, दोनों गिर गए, तो मैंने उनको उनकी क्रीम हटा के फिर से उनको डेकोरेट किया। बर्थडे किसका है ये तो बता। बड़े पापा का। तो बड़े पापा का बर्थडे है, नाइशा के पापा का बर्थडे, तो नाइशा ने अपने हाथों से केक बनाया, तो बहुत ही सुंदर। हाथों से नहीं, क्रीम हाथों से लगाई है। अच्छा अच्छा। क्रिश भी आ चुका है, रायू भी है, नाइशा भी है, तो हम अंदर चलते हैं। अभी टाइम हो रहा है 5:49 और अभी हम छत पे आए हुए हैं, तो मैं अभी कल ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं कर पाया था, तो मैंने सोचा आज भी कंटिन्यू ही कर लेता हूँ। अभी डेली ब्लॉगिंग तो कर ही रहे हैं। फिलहाल आज मैं आया हुआ हूँ छत पे और रिम झम बारिश हो रही है। रायू भी ट्यूशन से आ चुका है और अब छत पे घूम रहा है, नाच रहा है। साथ ही में जब मैं चाहता हूँ कि बारिश ना हो तब हो जाती है, और जब मैं चाहता हूँ बारिश हो तब नहीं होती है। फिलहाल अभी बहुत अच्छी हवा चल रही है और बारिश भी हो रही है। आज तो पूरे दिन धूप भी नहीं निकली है, इसलिए अभी बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। बादल ही बादल है हर जगह, मौसम तो बहुत ही अच्छा हो रहा है। रायू भी छत पे घूम रहा है, मैं भी छत पे घूम रहा हूँ। थोड़ा घूम लेते हैं और मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। शाम के 7:10 हो रहे हैं, तो अभी सोचें कि हम थोड़ा खेल लें, तो मैं एक बार नाइशा को भी बुला लेता हूँ और रायू को भी बुला लेता हूँ। तो हम चलते हैं नीचे। हेलो बोल दो। रायू यहाँ पे साइकिल चला रहा है और ये हमारी टिया जो वॉकर में घूम रही है। तो सब तो चले गए, तो रायू की साइकिल को अंदर रख देते हैं। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 8:00 और हम लोग आए हैं जानवी सौरभ के घर। हम आगे पता नहीं क्या मस्ती कर रहे हैं। तो अभी हम लोग ऐसे ही खेल रहे थे, तो सौरभ और क्रिश ऐसे ही खेलने लग गए, एक दूसरे को धक्का देने लग गए, और इस माशा की वजह से इसके लग गई है। तो क्रिश आपको कैसा लग रहा है बताइए। बुरा लग रहा है। बुरा लग रहा है। तो गाइस ये है होममेड ट्रैपर जो जानवी ने बनाया है, बहुत ही सुंदर है। मतलब ये स्टिक्स भी पेपर से बनी है, तो इतना क्रिएटिव है। ये जो एक स्टिक है वो तीन स्टिक्स को जोड़कर बनाई है। ओके स्टिक्स, ये भी स्टिक्स। तो गाइस अब इसका मास्क भी, इसकी पट्टी है। ने तो कैसे भी चीटिंग करके सौरभ को पकड़ लिया, तो अब है सौरभ पे काम। आ जाओ। तो गाइस सौरभ ने मुझे पकड़ लिया, जैसा कि आपने देखा। तो गाइस बिहान अभी डैम दे रहा है, तो मैं व्लॉग करूंगी, चलो घूमो। तो अब वो अपनी आंखों पे मास्क की पट्टी बांधने का समय ढूंढेगा। आज
गाइस आप ही मुझे बताइए, अगर कोई वहां पे बैठा हुआ है और वो डेंजर है बोले और फिर वो वहां से इधर आए, तो एक्यूरेटली वो कोई जो डैमर है वो आप पे पट्टी बांध के वो इधर से उधर कैसे आ सकता है स्ट्रेटली? तो गाइस अब जानवी पे नाम है और वो तो नाचने में लगी है। अब मुझे पता पड़ गया मैं कहाँ पर और अभी मैं खेल के आया था, खाना भी खा लिया है। अयु यहाँ पे खा रहा है अपनी आइसक्रीम। पापा भी छत पे गए तो हम छत पे चलेंगे और पता नहीं क्यों पीछे से पटाखों की आवाज आ रही है, तो देखते हैं हूँ क्या रहा है। पता नहीं पीछे क्या हो रहा है, जो वहाँ पे लोग पटाखे फोड़ रहे हैं पता नहीं क्यों। तो रात को कुछ ऐसा व्यू दिखता है, वो है उदयपुर की सबसे बड़ी बिल्डिंग और बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स दिख रही हैं रात को। तो अब मैं थोड़ा घूम लेता हूँ, वैसे तो मैं बिल्कुल नहीं दिख रहा हूँ, काला सा ही दिख रहा हूँ, तो मैं नीचे मिलता हूँ। तो गाइस इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा, क्योंकि नए व्लॉग की शुरुआत ही नहीं की और अभी 8 बज चुके हैं, आज है 28, फिर भी अब जल्दी से व्लॉग चालू करेंगे नया वाला। तो मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आया होगा। हम मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।